नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एलर्जी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा और इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, किस कंपनी की यह मेडिसिन आती है और कैसे इसके रिजल्ट है, यही सब जानेंगे। साथ में जानेंगे कि एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है और इसका कारण क्या है मेन, और इसके लक्षण क्या है, यही सब जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, एलर्जी की बात करें तो एलर्जी एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एबनॉर्मली किसी सब्सटेंस पे एक्ट करता है। चाहे वह आपने किसी को टच कर दिया है तो आपकी बॉडी पे रैशेस आने लग जाते हैं, या फिर आपने कोई चीज़ सूंघ ली है उससे आपको एलर्जी होने लग जाती है, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया हो जिससे एलर्जी होने लग जाती है, या फिर कोई ड्रग से एलर्जी हो जाती है जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में नहीं देखने में आती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसके लक्षणों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी आँखों में रेडनेस आ सकती है, छींकें आ सकती है, नाक से पानी आ सकता है, सांस लेने में कभी कभी किसी को परेशानी हो सकती है और आँखों से पानी भी आ सकता है। तो दोस्तों, एलर्जी कई तरह की होती है। किसी को फूलों से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी प्रकार के खाने से एलर्जी है, या फिर किसी को धूप से एलर्जी है। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रकार की एलर्जी होती है, इसका कारण अननाउन है, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, वह ओवर एक्टिव हो जाती है, वह ओवर रिएक्ट करती है किसी भी सब्सटेंस के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति। तो दोस्तों, इसको हम एलर्जी कहते हैं। इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है एलर्जी ड्रॉप। यह REPL कंपनी के ड्रॉप नंबर 9 है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, चाहे वह आपको फूलों से एलर्जी हो, किसी प्रकार के खाने से एलर्जी हो, धूल से एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की सब्सटेंस से अगर एलर्जी होती है, तो आप REPL के ड्रॉप नंबर 9 का इस्तेमाल करें। इसको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। लगभग 3 महीने तक आपका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी थी तो वह ठीक होने लगी। आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ट्यूबरकुलिनम मिली हुई है। ट्यूबरकुलिनम दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रहा है एलर्जी के कारण, तो इस मेडिसिन से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फर। दोस्तों, सल्फर एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। किसी भी प्रकार की अगर सोरा के कारण प्रॉब्लम हुई है, किसी भी प्रकार की एलर्जी अगर आपको हुई है, तो दोस्तों सल्फर वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली किन्हीं किन्हीं लोगों को सुबह के समय बहुत ज़्यादा छींकें आती है एलर्जी के कारण, तो सुबह की छींकों के लिए दोस्तों सल्फर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों फ्रेगेरिया। फ्रेगेरिया भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलर्जी के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, धूल से एलर्जी है, या फिर फूलों से एलर्जी है, तो दोस्तों फ्रेगेरिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको किसी प्रकार की स्किन एलर्जी है, अगर स्किन में रैशेस आने लगते हैं, तो दोस्तों अर्टिका यूरेंस बहुत ही अच्छा काम करती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूर भी दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर एलर्जी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आखिरी मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। यह भी एलर्जी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी अगर रहती है, तो दोस्तों आप इस एलर्जी ड्रॉप का इस्तेमाल करें। REPL कंपनी का आता है। इसका इस्तेमाल 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3 महीने तक इस ड्रॉप का इस्तेमाल करना है दोस्तों, आपकी जो समस्या है एलर्जी की, वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।